गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारी ये नेशंस नॉलेज न्यूज नेटवर्क के 33वीं एपिसोड में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। तो आज हम लोग चलेंगे, आज जानेंगे थोड़ा सा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बारे में, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग या प्रीवियस एपिसोड में बात करें तो हम लोग जाने थे MHRD के बारे में, 32वीं, 31वीं और 32वीं, मतलब 31 एंड 32 में। अब ये 33 चल रही है, तो 33 में अभी हम लोग जानेंगे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल काउंसिल ये जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं या टेक्निकल कोर्स होते हैं, जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ पॉलिटेक्निक एंड सर्टिफिकेट इन किसी भी सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जितने भी उसके ब्रांचेज हैं, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, सिविल हो, आर्किटेक्चर हो, डेयरी हो, जितने भी है सारे के जो है इसमें हम लोगों को ये तकनीकी अनुसंधान परिषद है जिससे हम लोग अप्रूवल मिलती है उस संस्थान को, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है या तो सरकारी भी है वो इससे संबद्ध नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनकी वैल्यू और उनकी जो मान्यता है वो सही नहीं है। तो इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं इनकी क्या अप्रूवल प्रोसेस है एंड इनकी क्या ओवरऑल अबाउट क्या है? मतलब ये उनकी वर्किंग एरिया क्या है, इनकी ओवरव्यू क्या है, इनकी एम क्या है, हिस्ट्री क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ना, विजन क्या है, इनकी एजुकेशन के प्रति कितनी इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स इनकी क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, इनके स्टैटिस्टिकल थोड़ा सा डाटा इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अबाउट अस, पहला जो है सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं, इसमें दिया हुआ हिस्ट्री ओवरव्यू। आप लोगों को पता ही है हिस्ट्री मतलब इसका पूरा इतिहास दिया होगा, ओवरव्यू मतलब रीड अबाउट द एपेक्स बॉडी ऑफ द टेक्निकल, इसके जो जितने भी स्टैंडिंग कमिटी है, लीडरशिप टीम है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। चौथा मतलब पहला हिस्ट्री, दूसरा ओवरव्यू, तीसरा लीडरशिप टीम, चौथा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पांचवा ये मैसेज एंड ऑफिसेज, ये अबाउट अस में ये हमें 6 चीज मिला हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूज़ रूम, न्यूज़ रूम में ओवरव्यू, न्यूज़ रूम के बारे में क्या क्या हमें, प्रेस रिलीज क्या होती है, इमेज गैलरी है इनकी, वीडियो गैलरी, इवेंट, इनिशिएटिव्स में इनिशिएटिव स्मार्ट इंडिया है ना, हैकथॉन, इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपटीशंस, एनी टाइम एनी वेयर ऑनलाइन लर्निंग, अब AICT ऑल इंडिया काउंसिल एसोसिएशन है ना, इनिशिएटिव्स, क्लीन एंड स्मार्ट कैंपस अवार्ड, AICT विश्वकर्मा अवार्ड एंड स्टार्टअप कॉन्टेक्ट। अब इस तरीके से सबका अपना अपना पैनल है, सब पैनल है, इसी तरह स्कीम्स का है, इसी एजुकेशन का, एजुकेशन में भी कोलाबोरेशन है, फिनिशिंग स्कूल है, वोकेशनल स्कूल है, एजुकेशन है, कम्युनिटी कॉलेज है, डिस्टेंस एजुकेशन है, की इंस्टीट्यूशन है, बेस्ट प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन है, IT एंड ICT एजुकेशन है, मॉडल सिलेबस एंड सब बुक्स है, लाइब्रेरी सर्विस है, पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स है, इसमें अपॉर्चुनिटी के भी है फैकल्टी स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए, तीनों के लिए। इस तरीके से हमारी फिर नेक्स्ट है, चलते हैं स्टैटिस्टिक में, तो डैशबोर्ड, AICT अप्रूवल, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, इसके बाद इनकी जो है NRI, PIO, FN, CIWG, TP, इंटीग्रेटेड वोकेशनल कोर्सेज, सब के बारे में जितनी अप्रूवल कोर्सेज है या अप्रूवल इंस्टीट्यूशंस की है वो सब सारे दिया हुआ है। इसके बाद फैकल्टी क्या कौन कौन से है वो सारे हैं इसमें है ना। इसके बाद ग्राफ एंड चार्ट है, ये PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो TI डैशबोर्ड है वो है, जो TI अप्रूवल इंस्टीट्यूट है PMKY का, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीडेटेड कोर्सेज है ना, अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, क्लोज कोर्स है, क्लोज इंस्टीट्यूट है, ये सब सारे इनके दिया हुआ है। नेक्स्ट में जो है बुलेटिन्स है, बुलेटिन्स में क्या क्या प्रसारण करते हैं या क्या क्या ये शो करते हैं अपने हमें टाइम टू टाइम, मतलब ये भी एक न्यूज़ टाइप का ही है, न्यूज रूम से रिलेटेड ही है, ओवरव्यू है, एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर्स इनकी, नोटिफिकेशंस इसके, टेंडर्स क्या है, न्यूज़लेटर आर एन अनाउंसमेंट, ये 5-6 चीज इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप सारा कुछ देख, सबसे पहले इनकी हम लोग चलते हैं हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या है हिस्ट्री इनकी।
देखिए यहाँ पे आपको अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया कैन बी डेटेड बैक टू द मिड 19th सेंचुरी 19वीं सदी के बीच से मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन इन 1902 मतलब 1902 में पहली बार इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बना और जो है प्री इंडिपेंडेंस मतलब भारत आज़ादी से पहले इशू ऑफ द इंडियन एजुकेशन पॉलिसी रेगुलेशन 1904 जो भारतीय शिक्षा का जो रेगुलेशन न्यास किया गया मतलब उसकी जो संरचना किया गया उसके नीति नियम निर्धारण किया गया एंड द गवर्नर जनरल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1913 स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IISc इन बैंगलोर ये पहली बार इनका बैंगलोर में किया गया इंस्टीट्यूट फॉर सुगर टेक्सटाइल्स एंड लेदर टेक्नोलॉजी इन कानपुर में भी किया गया एंड NCE इन बंगाल इन 1905 में बंगाल में किया गया एंड इंडस्ट्रियल स्कूल इन सेवरल प्रोविंसेस और भी बहुत सारे जो प्रोविंसेस मतलब होता है जो महाराजाओं का जो जहाँ पे साम्राज्य या उस समय में तो पूरी तरह से ये राज्य नहीं था ये अलग अलग साम्राज्य के रूप में और अलग अलग छोटे छोटे विरासत के रूप में था तो उस जगह पे इस्टेब्लिश किया गया इनिशियल सेटअप कैसे हुआ इंडियन काउंसिल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE वाज सेटअप इन द नवंबर 1945 में एज ए नेशनल लेवल एफएक्स पूरे राष्ट्रीय लेवल में एडवाइजरी बॉडी टू कंडक्ट ए सर्वे ऑन द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट इन द कंट्री इन द कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड मैनर एंड टू इंश्योर द सेम स्टिपुलेटेड इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 AICTE वाज वेस्टेड अब AICTE वेस्ट हुई मतलब पूरी तरह से उसमें सम्मिलित हो गया 1986 से 1945 में AICTE का सेटअप किया गया नवंबर महीने में और इसमें सारे टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट करने के विकास करने के लिए पूरे देश में सृजित करने के लिए प्रयासरत हुआ और स्टेटरी अथॉरिटी फॉर प्लानिंग इंफॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू एक्रेडिटेशन सबको एक्रेडिट किया गया फंडिंग इन प्रायोरिटी एरियाज मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन फंडिंग किया गया सब मॉनिटरिंग किया गया फिर इसका इवेल्युएशन किया गया मेंटेनिंग ये सब इनकी जो है ना एम एंड टारगेट लेके चले रोल ऑफ नेशनल वर्किंग ग्रुप फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1987 ये वाज पास्ट बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास किया गया 1987 वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ए प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन विद ए व्यू टू प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ अ टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम थ्रू द कंट्री पूरे देश में पूरे टेक्निकल एजुकेशन को बड़ा कोऑर्डिनेट और प्लानिंग करने के लिए प्रॉपर तरीके से एंड द प्रमोशन ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इसके क्वालिटी में बार बार इसकी जो सुविधाएँ हैं और इसके जो भी गुणवत्ता है गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ऑफ सच एजुकेशन इन रिलेशन उस शिक्षा के जो संबद्ध विषय वस्तु है उसका जो प्लानिंग है क्वान्टिटेटिव ग्रोथ उसमें परिणामगत रूप से उसमें वृद्धि के लिए एंड रेगुलेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स जितने भी नॉर्म्स है उसको मेंटेनेंस मतलब उसको किसी भी नॉर्म्स को खराब नहीं करके आगे बढ़ाने के लिए एंड स्टैंडर्ड्स इन द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम फॉर द मैटर्स ऑफ कनेक्टेड देयर विद अब इसके बाद है डाउनलोड एक्ट इस ये जो है ना इसमें द प्रीव्यू ऑफ AICTE द काउंसिल कवर्स प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर टाउन प्लानिंग मैनेजमेंट फार्मेसी अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ETC एट अ डिफरेंट लेवल ये इसमें और भी जोड़ा गया इसमें शामिल किया गया जो इसमें जो था टेक्निकल है आर्किटेक्चर को रखा गया प्लानिंग मैनेजमेंट को किया गया फार्मेसी को किया गया अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट को किया गया होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग को किया गया तो इस तरीके से सारे मतलब जो भी सेक्टर थे सबको जोड़ा गया सेटअप 1901 बार फिर से जो है इनकी कमेटी बार बार एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड बैठते गया 1943 में फिर 1944 में प्रिपरेशन ऑफ द है ना सर्किट्स रिपोर्ट बना 1945 में फिर इसका फॉर्मेशन हुआ
तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ और इसकी हिस्ट्री हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग चलते हैं ओवरव्यू अबाउट, इसकी ओवरव्यू के बारे में, या आप अप्रूवल प्रोसेस देखना चाहेंगे तो अप्रूवल प्रोसेस भी देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग ओवरव्यू भी देख ले थोड़ा सा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड ओवरव्यू इसकी अबाउट हिस्ट्री ओवरव्यू, चलिए ओवरव्यू की यहाँ पे पैनल खुल गई तो ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशंस की क्या ओवरव्यू है, द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द AICTE एक्ट 1987 फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स आफ्टर इट्स इंसेप्शन इन 1988 में, पहला 5 साल द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल द फर्स्ट फुल टाइम चेयरमैन वाज अपॉइंटेड ऑन July 2, 1993 पहली बार फुल टाइम जो इसकी चेयरमैन है उनको अपॉइंट किया गया एंड काउंसिल वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड पुनर्गठन किया गया इन March 1994 विद अ टर्म ऑफ 3 ईयर 3 सालों के लिए। एग्जीक्यूटिव कमिटी वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड पुनः बनाया गया ऑन July 1994 को। ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड एडवाइजरी बोर्ड्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड पुनः निर्माण किया गया ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड एडवाइजरी बोर्ड को कब 1994 से 1995 के बीच में। रीजनल ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो इसका रीजनल ऑफिस का जो विकास किया गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन कहाँ कहाँ किया गया, कोलकाता में किया गया, चेन्नई में किया गया, कानपुर में किया गया और मुंबई में किया गया। वेयर ट्रांसफर टू AICTE एंड स्टाफ वर्किंग इन देयर ऑफिस वेयर ऑल्सो डिप्यूटेड टू द काउंसिल फॉरन सर्विस टर्म है ना विथ इफेक्ट फ्रॉम October 1995 से सबको एक दूसरे में ट्रांसफर किया जाने लगा और जो पर्सनल स्टाफ थे इनके उन सारे को एक दूसरे से संबद्ध किया गया। तो इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन हुई और इसके बाद इधर भी है इनकी दीज ऑफिसेस फंक्शंस एज सेक्रेटेरिएट्स ऑफ द रीजनल कमिटीज इन द 4 रीजन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, चारों जो रीजन है उसमें काम करना शुरू कर दिया इनका सेक्रेटेरिएट ने। 3 न्यू रीजनल्स कमिटी इन साउथ वेस्ट सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट रीजन्स एंड द सेक्रेटेरिएट्स लोकेटेड इन बैंगलोर भोपाल एंड चंडीगढ़ रिस्पेक्टिवली वर ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड ऑन July 27, 1994 को ये 4 जगहों में भी इस्टेब्लिश हो गया। 1 more रीजन्स कमिटी इन साउथ सेंट्रल रीजन्स विद इट्स सेक्रेटेरिएट इन हैदराबाद इज नोटिफाइड ऑन 8 मार्च 2007 को हैदराबाद में भी इसका गठन हो गया। तो इस तरीके से सारे इनकी जो है संरचना ओवरव्यू ऑर्गेनाइजेशन का, ये पूरी AICTE ऑर्गेनाइजेशन का मतलब 2006-07 आते आते सब जगह अपनी इनकी हेडक्वार्टर भी खुल गई और ये अपने पूरी तरह विजन की ओर आगे बढ़ा। फिर आवर ऑब्जेक्टिव इनका प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एंड टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोशन करना, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को, रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स के आवर विजन, इनकी विजन जो है टू बी अ वर्ल्ड क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टेक्नोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाई इन्हेंसिंग द ग्लोबल कंपिटिटिवनेस ऑफ टेक्निकल मैन पावर बाई इंश्योरिंग हाई क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के हर क्षेत्र में हर पहलू में मानव संसाधन को पूरी तकनीकी से लैस करने की इनकी विजन हुई। फिर आवर मिशन, इनकी विजन भी देख रहे, ट्रू फैसिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड कंपेटेबल अप्रोच टूवर्ड्स द सोसाइटी, ये इनकी मिशन सब है। AICTE में सेल आ गया, एकेडमी है ना, PMSS जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स स्किल डेवलपमेंट ग्रीवेंस रेजिडेंस विजिलेंस स्टेट मैनेजमेंट पार्लियामेंट हिंदी, आप इसके हिंदी के भी बारे में जान सकते हैं अगर हिंदी में करते हैं हम लोग तो एक बार हिंदी देख लेते हैं। अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेशन, इनका वीडियो जो है ये अप्रूवल कैसे लेना, एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस पॉलिसी, क्योंकि AICTE से कॉन्टैक्ट करने के लिए इसमें खास करके सारे वो भी जितने भी कॉलेजेस होते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए या इस तरीके कोई भी कॉलेज होते हैं तो वो इनसे अप्रूवल लेने के लिए अब ये प्रोसेस में जाते हैं। ये इनकी हिंदी की जो वर्जन वाली साइट थी वो है, लेकिन हिंदी वर्सन की तो सोई नहीं हो रही है, तो नो प्रॉब्लम। कोर टीम इनकी ये है। एंड अबाउट द सेल, सेल के बारे में देखिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आप देख रहे होंगे,
तो चलिए हम लोग ये इसका हो गया प्रोसेस। अब हम लोग इनकी अप्रूवल प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि क्या क्या अप्रूवल स्टैंड नोटिफिकेशन स्टैंडिंग एयर कमेटी स्टैंडिंग अप्रूवल सबका दिया 19-20 सारे इनकी दे रखा है। इस पे आपको कोई अगर इनसे रिलेटेड नोटिफिकेशंस या आपके यूजर मैनुअल कुछ फ्लिप बॉक्स बुक्स कुछ अगर चाहिए आपको तो यहाँ से आप डाउनलोड ले सकते हैं। ये भी इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बाद इनके एपेक्स एपीएच में देखते हैं, मतलब इनके हैंडबुक एंड जो इनकी है ना वो है वो देख लेते हैं इन दोनों में। अब इनके जो हैंडबुक में देख रहे होंगे यहाँ पे आईसीटी का पूरी बैनर आ गया, मतलब इसके जो पूरी पेज है वो आ गया। तो अब हम लोग इस पे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। ये दोनों में से कोई भी हम लोग का खुल जाता है, अब दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा इनकी पूरी डिटेल दिया हुआ है, प्रोसीड्यूर इवैल्यूएशन अप्रूवल प्रोसेस कैसे कैसे आप डिप्लोमा लेवल इनटू डिग्री लेवल एंड वाइस वर्सा, या तो डिग्री से डिप्लोमा भी लेना हो तो वो भी उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिप्लोमा से डिग्री लेवल की भी सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से आप ले सकते हैं। तो जितने प्रोसीड्यूर है सारे प्रोसीड्यूर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से सब धीरे धीरे देख सकते हैं। पेमेंट कैसे, यूज़र आईडी पासवर्ड, मतलब आप अपने से भी ले सकते हैं है ना। यूनिक यूज़र आईडी शैल बी अलॉटेड इन द न्यू एप्लीकेशन। आप अपने तरीके से इनके जितने भी ये ब्रोचर हैं, मेनली इनकी ब्रोचर है ये, इस ब्रोचर में आपको सारे लिखा हुआ है, दिखा हुआ है कि क्या कैसे कैसे आप अप्रूवल अपना इनकी ले सकते हैं। तो इस तरीके से चलते जाएंगे हम लोग, और स्टार्टिंग में सीधा चलते हैं हम लोग फटाफट। तो अप्रूवल में हम लोगों ने देखा यहाँ पे, और ये अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक 1920 का है। अब आप बस हर ईयर का अलग अलग अप्रूवल होता है, कुछ अमेंडमेंट होता है, अगर कुछ अमेंडमेंट होता है तो वो अमेंडमेंट को आप देख लें वहाँ से क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से कुछ कुछ फेर बदल थोड़ा बहुत होते रहती है। तो आप लोग यहाँ पे ये करीब 265 या 268 पेजेस का है टोटल कंप्लीट, तो थोड़ा सा लंबा है। बट आपको अगर यहाँ से AICTE से अप्रूव कराना है कोई भी कोर्सेज के लिए अपने कैंपस या कॉलेजेस के लिए, तो ये सारे टर्म कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप वहाँ के लिए अप्रूवल, मतलब उसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी कैसी होनी चाहिए, आपके लैबोरेट्री कैसा होना चाहिए, वर्कशॉप कैसा होना चाहिए, आपका जो ट्रेनिंग है टीचिंग फैकल्टी नॉन टीचिंग स्टाफ टीचिंग स्टाफ, इसके बाद आपकी जितनी ट्रांसपोर्टेशंस है रूम्स वगैरह की है ना, सारे जितने टूल्स वगैरह हैं, ठीक है, जितने जितने आप कौन कौन ब्रांचेज खोल रहे हैं, इच ब्रांचेज के लिए कैसा कैसा मैकेनिज्म किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सारे की, तो ये सारे ऑल चीज हैं। ये सारे चीज़ की आपकी पास अगर फैसिलिटीज सारे आप प्रोवाइड कर पाते हैं है ना, तो आपको फिर इसे अप्रूवल मिलने की पूरी पूरी गारंटी देती है, और ये फिर आपको आपके साथ मिलके काम करती है, फिर आपका आपको प्रमोट करती है, और फिर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने में आपके साथ हेल्प करती है। तो यही सब है इसका। द एप्लीकेंट शैल यूज टू द टेक्निकल एजुकेशन इन सच अ वे दैट द है ना एब्रीवेटेड इन द फॉर्म ऑफ द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन IIM IIT IIC NIT ISER IIT, इस तरीके से जब हमें HRD UGC ICT जो ये सब अपना एब्रीविएटेड बताते हैं, प्रोसीड्योर क्या है, ये सारे चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी इनकी अप्रूवल। अब हम लोग यहाँ पे आप लोगों को बता ही चुके हैं, हिस्ट्री ओवर व्यू बता ही दिए, लीडरशिप टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब इनके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे बाद में। फिलहाल अभी यहाँ पे न्यूज़ रूम में भी वही चीज़ें न्यूज़ के बारे में इमेज गैलरी आप इनका जितना इमेज वगैरह होते हैं वो देखे जाते हैं। ऐसे अब इनकी जो है
ट्रेन AICTE विश्वकर्मा अवार्ड, इसमें अवार्ड भी होती है कि जी रिकॉग्निशन पर अब जो बढ़िया काम करेगा। इसमें कौन कौन से स्कीम है, वही चीज़ें एजुकेशन के लिए ओवर भी कोलाबोरेटन फिनिशिंग स्कूल्स पॉलिसीज पर, मतलब सारे चीज़ हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी आपको अगर देखने का है तो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ द लाइंस ऑफ अथॉरिटी कम्युनिकेशन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ AICTE चेयरमैन वाइस चेयरमैन, इसके बाद मेंबर ऑफ सेक्रेटरी, फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो अप्रूवल ब्यूरो एंड फाइनेंस ब्यूरो पी एंड ए पी ब्यूरो एंड RIFD ब्यूरो, मतलब इनके जितने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ये AICTE के दिए हुए हैं। अब ये तो हो गया इनका सर। एजुकेशन में भी हम लोग चलेंगे तो कम्युनिटी कॉलेजेस प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड सपोर्टिंग सर्विस टू द लेस फॉर्चुनेट। अब डिस्टेंस एजुकेशन ये थोड़ा हम लोग बाद में देखेंगे, इसको अभी खोल लेते हैं। कम्युनिटी कॉलेजेस क्या है ये दोनों चीज़ देख लेंगे, आपको दिखे क्योंकि इम्पोर्टेंट वोकेशनल एजुकेशन में क्या क्या आते हैं ये सब इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मॉडल सिलेबस एंड स्लव ब्लॉग ये भी देख लेंगे, खुलने दीजिए सारे। बट उससे पहले थोड़ी सी हम लोग हिंदी में देख लेते हैं कि विकिपीडिया क्या कहती है इसके बारे में, मतलब ये जो है ना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का जो ये सारे अप्रूवल है इसके बारे में ये विकिपीडिया क्या कहती है या गूगल में हम लोग देख लेते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु आवेदन देती है ना। ये जो है संस्थाएं नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने के लिए, नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल। अगर तकनीकी शिक्षा में तो जैसे इंजीनियरिंग में है ना BE BTEC में या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में या कोई टेक्निकल कोर्सेज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आर्कोलॉजी कुछ भी टेक्निकल कोर्स में से रिलेटेड में किसी में भी अगर आपको फेरबदल करना है तो यहाँ पे आवेदन देना होगा। यह ऐसी संस्थाओं के लिए मानदंड भी निर्धारित करती है। इसके स्थापना 1945 में सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी और बाद में संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है जहाँ इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और एवं सचिव कार्यालय का, बाकी कोलकाता चेन्नई कानपुर मुंबई चंडीगढ़ भोपाल और बैंगलोर में इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है जो मैंने इसके बारे में आप लोगों को इसके होम पेज में वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोगों ने जाना। इसका यह तकनीकी संस्थाओं में प्रयत्न या कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता विकास को भी सुनिश्चित करती है। अपने विनियमित भूमिकाओं के अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक बढ़ावा देने की भी भूमिका है जिसे यह तकनीकी संस्थाओं को अनुदान देकर महिलाओं विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास नवाचारी संकाय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के माध्यम कार्यान्वित करती है। परिषद 21 सदस्यों वाली कार्य समिति के माध्यम से अपना कार्य करती है। 10 संवैधानिक अध्ययन बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त है जो नामित इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अवर स्नातक अध्ययन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और अनुसंधान प्रबंध अध्यापन अध्ययन व्यावसायिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा वास्तुशास्त्र होटल प्रबंधन एवं कैटरी प्रौद्योगिक योजना के टाउन एवं कंट्री प्लानिंग परिषद की सहायता करती है। अब इस तरीके से सारे फील्ड में करती है। अब देखिए यहाँ पे जो स्थापना है इस ब्लॉग में आप ब्लॉग दिखेगा AICTE नवंबर स्थापना 1945 में नई दिल्ली। इसकी स्थापना कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह है तिरुवनंतपुरम कोलकाता चेन्नई कानपुर मुंबई बड़ोदरा चंडीगढ़ गुवाहाटी भोपाल बेंगलोर हैदराबाद गुरुग्राम। अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धि। मुख्य अंग है परिषद उच्चतर शिक्षा विभाग भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अंग है और इसकी ये वेबसाइट का ऑफिशियल है। अब इसका देखिए तकनीकी पाठ्यक्रम और पुरस्कार योजना तकनीकी विषय में उत्कृष्ट स्तर की मूल पुस्तकें
है ना, तथा अनुदित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिषद हिंदी में तकनीकी विषयों को लिखी गई पांडुलिपियों को प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता देती है। इस योजना के अंतर्गत परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तकनीकी शिक्षा से संबंधित विषय क्षेत्रों अर्थात इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, होटल प्रबंधन व खान पान, प्रौद्योगिकी वस्तुकला, नगर व ग्राम आयोजन प्रबंधन, अनुप्रस्थ कला और बीजेसी फार्मेसी तथा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा एवं NSQF आदि पर पिछले 5 वर्षों में डिग्री, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI तकनीशियन स्तर का हिंदी भाषा में प्रकाशित मौलिक और अथवा अनुदित पाठ्य पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभाषा हिंदी में उपयुक्त विषय में उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक लेखन तथा हिंदी में अनुवाद को बढ़ावा देना है देना और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम ज्ञान हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए लेखकों और तकनीकों विषयों को अनुवादित को प्रोत्साहित करना है। अब इस तरीके से इन्होंने पूरी तरह से डिटेल में दे दिया है तकनीकी पाठ्य पुस्तक की परियोजना, पुरस्कार परियोजना क्या है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट को जितना टेक्निकल आप लोग जानते होंगे, जितना चाइना है, जापान है, किसी भी आप फॉरेन अमेरिकन है, अमेरिका है, किसी भी आप फॉरेन कंट्री में जाएं, चाहे वो अरब का कोई देश है, तो उस देश में वहाँ का भाषा, वहाँ का रीजनल, वहाँ का मातृभाषा, मदर टंग में वो सब्जेक्ट को प्रमोशन किया जाता है, वो सब्जेक्ट को बताया जाता है, वो सब्जेक्ट का सारा सब बुक्स आपको टॉपिक वाइज सब मिल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है ना कि हिंदी में कम मिलते हैं राजभाषा में और इंग्लिश में ज़्यादा मिलते हैं, तो इससे स्टूडेंट्स की जो पोटेंशियल रहता है ना, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ है, इसीलिए हमने हिंदी के बारे में भी बताया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जो फेज है हमारा इसका, कम्युनिटी एंड कॉलेज के बारे में बात करने थे हम लोग की, वोकेशन एंड कैरियर। कम्युनिटी कॉलेज क्या है? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.2 बिलियन, 75% इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 6 लाख विलेज, है ना, 6 लाख गांव है। देयर आर अ विजिबल डिफरेंस इन रूरल एंड अर्बन, रिच एंड पुअर, हाईली एजुकेटेड एंड लेजर एजुकेटेड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एरियाज, यहाँ वाकई में है। तो वोकेशन एंड करियर इसके लिए संबंधित यहाँ पे सारे दिया हुआ है। सिटी ऑफ रूपावर पॉलिटेक्निक एंड कंसिडर्ड टू बी विजिबल वेहिकल्स फॉर प्रोवाइडिंग द इंटेंडेड सर्विस एज मेंशन अबव। अब यहाँ पे MHRD में जाएंगे, नोटिफिकेशन देखेंगे, मॉडल करिकुलम फ्रेमवर्क कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ अप्रूवल इंस्टीट्यूशन, या कितने इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल है, वो सारे यहाँ से आपको दिख जाएंगे। तो ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारे देखा। इसके बाद वोकेशनल में चलते हैं हम लोग, तो वोकेशनल का भी वही चीज़ है, सेम चीज़ बता रहा है। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग BET also covered a career and technical education. CTE prepares learners for jobs that are based in manual or practice activities traditionally non-economic and totally related to a specific trade, occupations or vocation. Hence the term in which the learner participates. It is sometimes referred to as a technical education, as the learner directly develops expertise in a particular groups of technology. A vocation and career, same thing you can see here in a brief, and each panel useful, these are the main useful links that you can find here. The list of new institutions approved to vocational courses in 2019 and 2020. How many colleges or how many institutions have just get the approval from AICT in the session of 2019-20, you can get from this link. The next is list of the institution approved in 2018-19, the recommendations are to run vocational courses under, and this is the approval and the, of 18-19, this is not the 19-20, this is the 18-19, this is 19-20, and here is the NSQF notifications. Here is the next is the importance links of vocational educations, and then skill knowledge providers. These all are the important links that you can get a lot of information and a lot of things that are useful for you related with sample model curriculum and entrepreneurial degree and diploma courses. Here is the model curriculum, means syllabus, awareness workshop to the run entrepreneurial degree and diploma program. So these are the main
panels and sub panels. So in the next is we suggest, so let's go to study about the distance education, because this is in technical educations there is a people say that there is a no value of studying through the distance educations, because this is the course that is related with the practical knowledge and with workshop, that how you just do in a laboratory, that is very important, and to getting a it is a skillful knowledge, practical knowledge. So distance मतलब इसमें distance का मतलब हो गया कि दूर शिक्षा, और हम घर में रह करके इसके बारे में तकनीकी के बारे में जानेंगे, तो जितना ज़्यादा practice करेंगे, जितना ज़्यादा workshop करेंगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में हम लोग उसकी जो पूरी project बनाएंगे, assignment करेंगे उसके ऊपर, assignment not assignment theoretical assignment नहीं, मतलब practical project बनाएंगे, तो हम इसमें ज़्यादा बढ़िया करेंगे. लेकिन यहाँ पर distance में भी है, तो distance में भी होती है, ऐसा नहीं है. Distance education और distance learning is a field of education that focus in the pedagogy and andragogy technology and instructional system design that aims to deliver education to students who are not physically on site. मतलब जो physically complete नहीं है उन लोगों के लिए भी सारे सुविधा देने के लिए ये प्रतिबद्ध है. इनकी overview, distance education is a process to create and provide access to the learning when the sources of information and learns are separated by time and distance or both. In the other words, दूसरे शब्द में अगर कहे, distance learning is a process है creating करना education experience or equal quality value of the learners to suit their needs outside the classroom. कक्षा के बाहर सभी प्रकार की समुचित सुविधा देने के लिए, मतलब जो non-attending students के लिए. तो डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स रिक्वायर फिजिकली ऑन साइट्स एंड, और आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि भारत सरकार ने सारे इंजीनियरिंग बीटेक और बीई के लिए भी डिस्टेंस मोड के थ्रू भी आप बीए बीटेक और बीई कर सकते हैं मैक्सिमम ब्रांचेज में, जैसे कोर ब्रांचेज में भी हो सकता है, जैसे सिविल में ले सकते हैं, मैकेनिकल में ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में ले सकते हैं, आप ये सब में एडमिशन ले सकते हैं, नो डाउट. तो हम लोगों ने डिस्टेंस का देख लिया, ये कॉमन इसका जो कम्युनिटी कॉलेज देख लिया, इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन का भी हम लोगों ने सारा देखा, सारे लिंक. इसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल जो सिलेबस है, आप मॉडल सिलेबस का लिस्ट दिया है, हियर यू कैन जस्ट सी AICTE रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ सजेस्टेड बुक्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. These are the recommended book, and you can just get the download from this links list. Here is written the list of suggested books of Indian authors and publishers for UG degrees ka course in engineering and technology in 2018. And in the same way, there are three basically links. You can get undergraduate, next is the postgraduate, and the next is you can find, here is the link also. And when you just click on this link, you can get the all downloads and save your file wherever you just want. Next is the postgraduate, and the next is diploma, vocational education, and prospective plan for engineering education. So you can get all these links and get the download from these panels and about the model syllabus. So we learn lot of things about history we already studied. So these are the main basic points that I wanted to tell all of you about the site, about this AICTE. So आज की हमें लगता है कि हमने काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया AICTE के बारे में. अब जिनको ज़रूरत है आप लोगों में कि हाँ ये यहाँ पे ऐसे कैसे होती है, या कोई प्रॉब्लम लग या कोई डाउट लगती है, तो आप हमें पूछ सकते हैं. इनकी पूरी सीरियली पूरा कंप्लीट यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना. और ये मैक्सिमम 265 या 267 पेजेस की है. तो फिर हम लोग चलते हैं इसकी ऑफिशियल होम पेज की ओर, और इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं. और आप लोग बताएंगे, कमेंट्स करेंगे और हमें बताएंगे कि किस तरीके का आप लोगों को और चाहिए. और जैसे ही आप लोग हमें बताएंगे, इन्फॉर्मेशन आपके कमेंट के द्वारा हमें मिलेगी, तो हम इस पर पूरी सुधार करेंगे. या और डिटेल में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कुछ और एनालिसिस करने की ज़रूरत है, या कुछ और इंटरप्रिटेशन देने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ राइट अस ऑन द जस्ट ऑन कमेंट, एंड देन वी विल जस्ट गिव यू अ रिप्लाई एंड मेक अनदर वीडियो.
वीडियो रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूशंस. सो प्लीज डू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते रहें कृपया करके. आप लोगों की मुझे हेल्प की जरूरत है. आप लोग इसके चैनल का शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें एंड लाइक भी करते रहें. नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको हमेशा नए नए वीडियो, जिस तरीके का हम लोग और भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो बनाएंगे, वो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी. तो इसी के साथ हम आज की वीडियो का यही समाप्त करते हैं. तो हम लोग ने अगले वीडियो में मिलेंगे. चलिए तब तक के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. थैंक यू.